अग्नि परीक्षा दी थी, सीता मैया अग्नि परीक्षा दे के अपना वो प्रमाण दी थी कि हम बहुत अच्छे हैं, पवित्र हैं, और उसके बाद ही वो अपना अपना मतलब कि पूरा पवित्रता का परिचय देने के बाद वो एक नहीं, वो वहाँ का छोड़ दी, अपना राज छोड़ दी वो औरत अपना सत्य दिखाने के चलते। राम राज्य है, राम राज्य है। आपने कहा ना राम, आज जाके देखिए ना, जाके कितना बढ़िया शांति है। सब समस्या किसको है, ठीक है, तो वो है एकमात्र भारत देश का आज तक का सबसे जबरदस्त से काम करने वाला, विदेश नीति पे जबरदस्त का पकड़ रखने वाला नरेंद्र मोदी, वही हम सोचते हैं, देखते नहीं है, सोचते हैं उसके बारे में हम। अभी देखिए 3 राज्य उन्होंने निकाल लिया है, अब देखिए अभी बहुत अच्छा एक लाइन लाया है, आप 3 राज्यों को निकाल लिया है, तो 3 राज्यों को निकाल नहीं लिया है, 3 राज्यों को स्वीप कर दिया है, ऐसे बोले ज्यादा बेहतर लगेगा, है ना। जहां पर आपको बता दे भूपेश सिंह बघेल जो यहां का था, छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री था, वो अपने आप वहां ये संकट क्या कौन सा महादेव घोटाला जो हुआ आपका, वो जो छोड़ा जो था वहाँ पर आपका छोड़ा, और हम क्या बोलता है दुबई में जाके 200 या 400 करोड़ का वहाँ पर पार्टी किया वो लड़का, किसका मदद से क्या सब लोग जानता है, उसको बात में आना नहीं है हमको। मुद्दा है आपका क्या है, 3 राज्य है ना, तो आपका भूपेश सिंह बघेल चिल्ला के बोल रहे थे, एक तो उसका मंत्री बोला कि नहीं आएगी, नहीं जीतेंगे ना तो मुछो उड़ा देंगे, बहुत जोरदार से चल रहा है ट्रेन में, अब मुछवा नहीं उड़ा रहा है वो लड़का, बुढ़वा मुछवा नहीं मिला रहा, उड़ा रहा है। भूपेश सिंह बघेल को बहुत अच्छा से मालूम था कि हम क्या घोटाला किए वहाँ पर, कितना वहाँ के लोगों को क्रश किए हैं और उनको हारना था। चलिए बात आते हैं राजस्थान पर, है ना, क्या चीज नाम है जी उनका, बुढ़वा का चीज नाम है जी उनका, बुढ़ाओ साहब जो अभी मुख्यमंत्री, हाँ गहलोत जी, है ना, अब से गहलोत, अब गहलोत जी को देखिए इतना प्रकार का वहाँ घोटाला किया। सबसे पहले मेरा नजर देखिए, हमारा घोर विश्वास है इस देश का कण कण में, इस देश का धूरी धूरी में, इस देश का है ना मैं क्या बोलता हूँ ईटा ईटा में, बालू बालू में, कण कण में मेरा विश्वास है। तो वहाँ पर आपको जाके देखिए लोगों के इशारे पर, हम नाम नहीं लेना चाहते धर्म के नाम पर, क्यों किनके इशारे पर जाके वहाँ पर जो 300, 400, 500, 600 पुराना जो मंदिर था उनको गिरा दिया गया। ये किस प्रकार का काम किया गया भाई, ये किस प्रकार का काम है हमारे हमारे ही देश में, ये गलत है। हाँ अगर डेवलपमेंट के लिए आप कल होकर किसी मंदिर को हटाते हैं सब लोग स्वीकारेंगे, जबकि नियम बोलता है कि हटाइए नहीं, बगल से डाइवर्ट करके रोड को निकालिए, नियम यही बोलता है। लेकिन जब आप आ गए आवेश में, जनता ने दिखा दिया उसको मुंह कि देखो तुम्हारा औकात क्या है, और इस प्रकार से वहाँ पर भी घटना हुआ था बलात्कार का, उसको भी हम लिपापोती करने काम किया था, किसने किया था सब लोग जानता है, ये पूरा देश का बच्चा और चच्चा जानता है कि किसने वहाँ पर किया था बलात्कार। मोदी जी पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, बहुत सही, बहुत देखिए इतना सॉफ्ट लाइन आप बोले हैं, नहीं सर सुनिए ना, इतना सॉफ्ट लाइन बोले हैं, ठीक है, कहाँ आपको करवा दिया हिंदू मुसलमान, आपसे उदाहरण हम चाहते हैं मैम, ठीक है, संविधान का 4th स्तंभ आप हैं, उदाहरण हम चाहते हैं, नहीं तो सुनिए सर, अरे बोलने तो दीजिए, आप आए बोलिएगा ना, आप बोलिए कहाँ पर हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा, सर सुनिए, आप मीडिया हैं, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर दंगा हुआ है तो वो है अपना बिहार में सबसे ज्यादा, दूसरा राजस्थान में, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ में, चौथा आपका जो ये कलहारा है वहाँ पर कांग्रेस हारा, तेलंगाना में, ये कुछ जगह है जहाँ पर आपका सबसे ज्यादा दंगा हुआ है। बोलते हिंदू मुसलमान करवाता है, ये क्या बोलता है बीजेपी वाला, कोई प्रूफ तो करके दिखा दे। बिहार शरीफ में क्या हुआ था सर, बिहार शरीफ में क्या हुआ था, किसी से छुपा हुआ है, कौन आगे बढ़ के जाके सारा कुछ हमारा ये कर दिया था। सासाराम में क्या हुआ सर, सहरसा में क्या हुआ सर, बेगूसराय में क्या हुआ, अभी भी लगता है 144 लगा हुआ है कुछ कुछ जगह पर, छोटा छोटा जगह पर क्या हुआ, वहाँ पर कौन करवा रहा है ये सब, जवाब तो दीजिए कोई। गिरिराज सिंह को जानते हैं, बिल्कुल बेगूसराय के हैं वो, क्या कहते गिरिराज सिंह पता है, बिल्कुल हाँ, क्या बोलते हैं, मदरसा जो है सीमांचल वाले इलाके में उसको बंद किया जाए, उसमें गलत काम होता है, ठीक है, मदरसा में गलत काम होता है। आपको क्या लगता है, हम देखिए एक सॉफ्ट लाइन दे देंगे तो हो सकता है मैं जिस धरती पर, जिस पावन धरती पर खड़ा हूँ यहाँ पर, यहाँ से मुझे सॉफ्ट लाइन लेकर मुझे टारगेट कर दिया जाए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए सर यहाँ पर सरकार किसकी है सब लोग जानते हैं, और कितना सुरक्षित है विश्वास मानिए, मेरा भी छोटा सा बिजनेस है, 5 बजे हम घर के अंदर चले आते हैं क्योंकि मेरी भी बीवी है, मेरी भी माँ है जो बीमार है उसको देवा करना है, ठीक है, डरते बिल्कुल हम डरते हैं,
अरे हम देखिए, अगर ये देखिए महिला जैसे बोल रही हैं, माताजी बोल रही हैं, माताजी जैसे बोल रही हैं कि आप डरते हैं, तो आप बताइए हाथी के सामने खड़ा हो जाए हम तो हाथी क्या करेगा हमको? ठीक है, जब उसको पीछे से सहारा मिला हुआ है, ऐसे कौन हाथी है? कोई हाथी नहीं है, कोई हाथी नहीं। देखिए ना, पीछे से सहारा अगर मिला हुआ तो डरना नहीं है। ठीक है, आप जनता, हम ही लोग सहारा मिला। देखिए हम लोग जनता है, हम ही लोग पे देश चलता है, राज्य चलता है। ठीक है, अभी रिसेंट बता रहे हैं नीतीश कुमार ने कुछ छुट्टियां, उनका विभाग छुट्टियां कुछ किया है। ठीक है ना, तो छुट्टी में आपको आपको मालूम है कि किसका छुट्टी बढ़ाया और किसका छुट्टी खत्म हुआ, खत्म किया है। तो हम नीतीश कुमार से हम चाहते हैं कि इस पर पुनः विचार करें और जो छुट्टी वाला मामला जो है ना, पुनः जैसे था वैसे रहने दें, अन्यथा ये उनको आगे आने वाला चुनाव में उसको नतीजा भुक्तभोगी करना पड़ेगा। तो कुछ चूंकि वोट के लिए इस तरह का राजनीति ठीक नहीं है बॉस, वोट के लिए आप किसी को एकदम बहुत ज़्यादा कर दे रहे हो। किसे छुट्टी जो उन्होंने काटा है इसलिए काटा है कि क्योंकि जो एक सनातन धर्म है उसमें ज़्यादा पर्व त्यौहार है, तो जितना पर्व त्यौहार रहेगा उसमें उतनी लंबी लंबी छुट्टी हो जाती है, तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है कि नहीं जी? अच्छा बात है, छुट्टी काटा, ये आज का ये सनातन धर्म है क्या? वर्षों से सनातन धर्म चला आ रहा है, छुट्टी किए हैं उसका तो उनको भुक्तभोगी करना ही पड़ेगा। और किसी एक धर्म का छुट्टी क्यों बढ़ाए आप बताइए? अब हमको बढ़ाए कहाँ, जिसका जितना दिन त्यौहार है बस उसी दिन नहीं, वो तो बढ़ाया तो हम दे पेपर में दे रहा है कि उनका बढ़ा दिया गया है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारा जो हमारा भारत कैसे चल रहा है, हमारा संस्कृतियों का देश है, समझे ना, हम लोग उस पर टिके हुए हैं और उसको उस पर छेड़छाड़ चाहे कोई हो, कोई सरकार हो ना करें। ये जो आपका राजस्थान सरकार या फिर और जो सरकार है वो छेड़छाड़ किया, उसका भुक्तभोगी देख लिया वो क्या है, और वही हाल होगा बिहार में अगर इस पर पुनर्विचार नीतीश कुमार नहीं करेंगे तो। अच्छा, योगी जी को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या भगवान वो आ जाए तो भगवान तो बिहार को सुधार दे। योगी जी अगर जैसन बन जाए कोई तो आज बिहार सुधर जाएगा, तुरंत ठंडा हो जाएगा, तुरंत शरबत हो जाएगा दम बिहार। हाँ, जो फालतू जो बोला है कि सरकार जे डी मारी तो उनको भी पता चल जाएगा कैसे गण मारा जाता है। जे अगर योगी जी आ गए तो योगी जी आ गए तो इनका ठंडे करी दे, कितना जो फालतू जो रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है? चल रहा है राम राज्य, खूब बढ़िया चल रहा है। वहाँ के आदमी आता था कहता हम बहुत अच्छा है। आज भी जाके देखिए ना भाई, जाके बनारस आश्रम जाके देखिए, घूमिए जाके, मतलब बढ़िया से। अरे एक ई चौराहा पर ओढ़नी खींचेगा ना तो अगला चौराहा पर उसको लाश रखल है। हाँ, तो आए दिन बच्चियों का बलात्कार होता रहता है वहाँ, तो देखिए ना कि अगला चौराहा पर देखे नहीं कि दोनों का गोली लगल है पैर में, भागा तो पैर में तुरंत गोली मारी, मारो उसको। हाथरस वाला केस पता है? हाँ, क्या हुआ था, क्या होगा जब बाहर हो? देखिए सब जगह नेते चल रही थी, हाथरस कर लीजिए, आई रेप करवावे थे वही करावे थे। राम राज्य में ये सब होता है तो क्या करवाऊ, राम राज में कैसे न होले है? सीता मैया के बदलाव कर दल के राम राज में, याद है आपको रामायण में सीता मैया, जबकि वो पतिव्रता है, स्वयं पतिव्रता है, और उनको भी कलम कर दिया। सीता मैया के साथ कुछ बलात्कार नहीं हुआ था, अपराध हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ है। सीता मैया अग्नि परीक्षा दी थी, सीता मैया अग्नि परीक्षा देके अपना वो प्रमाण दी थी कि हम बहुत अच्छे हैं, पवित्र हैं, और उसके बाद ही वो अपना अपना मतलब कि पूरा पवित्रता का परिचय देने के बाद वो एक नहीं, वो वहाँ का छोड़ दी, अपना राज छोड़ दी वो औरत, अपना सत दिखाने के चलते कि राम जी आप हम पे इतना बड़ा आरोप लगाए हैं, इसीलिए हम आपका ये धन संपत्ति और राज को छोड़ के हम जाते हैं वनवास, और वहीं दोनों बच्चों को अपना पैदा दी थी, जो लव है कुछ जो उनका था तब, और राम जी को तब पता चला था कि सीता माता मतलब कि वनवास में है, जब वो अपना घोड़ा छोड़े थे, और जब उनके पास जो घोड़ा जो छोड़ते हैं तो कोई उनका घोड़ा नहीं पकड़ता था राज में, कि घोड़ा मतलब कि दौड़ रहा है तो कोई पकड़े, किसी के पास हिम्मत नहीं था, क्योंकि उस घोड़े को पकड़ने के बाद युद्ध होना जरूरी था। लव कुश उस घोड़े को पकड़ लिए थे और फिर युद्ध का प्रमाण वो लोग वहीं से स्टार्ट किए थे, फिर कुछ जीत गए थे युद्ध में, तो राम जी बुलाए थे कि कौन बालक है कि जो इस युद्ध में इतना बड़ा घोड़ा को, क्या तो नाम था उस घोड़े का, युद्ध में जीत के और फिर आए थे, तब पता चला था कि सीता माता वनवास में है और उनका राम जी का ये बालक है। अब देखिए राम राज्य में इस तरह की कहानी है, राम राज्य में हाथरस जैसा बच्चे के साथ बलात्कार नहीं किया जाता है, बिना दिनी उसके परिवार को तो कह रहे हैं लाश शव नहीं सौंपा जाता। आपने कहा ना उत्तर प्रदेश अच्छा राज्य है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर है, आज देखिए क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, सुनिए सर को बताते हैं अच्छी स्थिति है, हाथरस वाला क्या है मामला? तो अच्छा माने तो यहां बिहार में कितना हो है, राम राज्य है, राम राज्य है, आपने कहा ना राम राज्य, आज जाके देखिए ना जाके आपने कितना बढ़िया शांति।